देखो मेरे साथ कौन है। हेलो, क्या चला रहे हो? क्या बजा रहे हो? अपना चल गया, I don't know. अच्छा, it's automatic car, man. Where are we going? Oh, mine. Surprise. आराम शो, तुम्हें जगह नहीं गए होगे क्योंकि बातों में मैंने बहुत टाइम पहले तुमसे बात निकलवा ली थी कि तुम इस शॉप में, इस मार्केट में कभी गए हो? यू सेड नो, तो आज उसी मार्केट पे जा रहे हैं। सोचो किस कहाँ जा रहे हैं। पर हम जा क्यों रहे हैं किसी मार्केट में? दिवाली आ रही है, सोचा थोड़ा सा जेम गरम हो रखी है, थोड़ी ढीली करूं। तो हम जा रहे हैं दिवाली शॉपिंग करने। हल्का हाथ रखना भैया, हल्का हाथ। हाँ, हल्का हाथ ही रखूंगी। Finally we reached here. और मैं पहली बार आ रही हूँ, मैं कभी नहीं आई हूँ यहाँ पे। बट कहाँ है? शाहपुर जाट। ये शाहपुर जाट। I know थोड़ा तुमको सुनने में अटपटा लग रहा होगा, but yeah. The name is. But I saw like some shop जहाँ पे अच्छा collection दिखा मुझे। Yeah. तो हम आए हैं दिवाली shopping करने के लिए। रोहित मेरे को दिवाली आउट दिला रहा है। पहले मुझे सब खरीदना पड़ता था अपने पैसे से। मैं इतनी खुश हूँ ना तो मेरी लाइफ में आए, और अब तब सब तो मुझे गिरा दो ना। मेरा बाबू आ गया मेरे काबू में। Yes. What दिवाली gift you want? Me? Nothing. बस अब कुछ नहीं मिलेगा। यही सुनना था मुझे। Oh God. What do you want? Learn to say no. I don't know how to say no. I'm so nice. N-O, no. I'm so nice. नहीं, अभी भी मना कर सकते हो? चलो वापस चले। नहीं नहीं ना, let's go. अच्छा, let's go. This very pretty. We're gonna try this one. We finally got the Rohit. मुझे दिलाएगा. After going to so many places. Yeah. Actually, we're not allowed to shoot out here. Yeah, but it's if true. We buy this, then I'll post. Come out. अच्छा लग रहा है, देखो फिटिंग सभी कर देंगे। नहीं, मेरे को बस थोड़ा सा यहाँ पे टाइट लगा था, बस फाइन। तो आपका साइज का वो जरा ना अल्टर से। अच्छा, इसमें है होने का कोई ऑप्शन है? बिकॉज़ या या देयर इज मार्जिन। हां, देन इट्स फाइन। टर्न अराउंड, लुक हियर। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वन? अच्छा लग रहा है। ये तो शादी की होगी ना शॉपिंग। टू मच फॉर दिवाली। This is for the November function. Yeah, yeah. Say something. Jewelry में पूछा था, jewelry क्या पहनो के साथ? ये देखो, हाथों पे कुछ डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है? कानों में है। और मुझे लगता है कानों में enough होगा, because इसका फिर मैं चाहती थी ब्लाउज दिखे। But I wanna do something different, because ऐसा मेरे पास है कुछ। I love the ब्लाउज। नहीं बना, ब्लाउज को कस्टमाइज करा सकते हैं। ये ब्लाउज बहुत सुंदर है, मुझे ब्लाउज के चक्कर पसंद है। वेरी प्रिटी। यस, नाइस, वेरी प्रिटी ब्लाउज। बाइंग इट फ्रॉम फ्रेश स्टॉक। शू फाइनलाइज इट? हां, ओके। तुम बताओ। वी हैव फंस गया, सो वी आर फाइनलाइजिंग दिस। कैसा लग रहा है ब्लाउज? अच्छा लगा। चलो अब बात करते हैं पेमेंट की इसकी। टर्न अराउंड। ये भी बहुत सुंदर है। क्या किया तुमने मेरे साथ? काट गया। लाइफ का सबसे महंगा लहंगा मुझे रोहित यादव ने दिलाया। मुंह क्यों उतर गया? आवाज नहीं निकल रही। आवाज महंगा तो नहीं है, बट नहीं बेबी, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। मैंने इतना महंगा लहंगा आज तक नहीं खरीदा, बिकॉज ऑफ यू। मैं एक्टिंग कर रहा हूं, ऐसे कोई ज्यादा महंगा या सस्ता था? ये भी 1.5 लाख का था बस। शादी में दिलाने वाले हमारी। हम बात करने आए थे यहाँ पे 15-20 पकड़ने के। इतने महंगे महंगे आउटफिट है भैया, बहुत महंगे आउटफिट है, बहुत ही ज्यादा महंगे, पर डिजाइनर है ना। बट यहाँ पे ऑप्शन बहुत अच्छे हैं। या वेरी यूनिक। अभी जब ये आउटफिट जब बन जाएगा, रिव्यू होगा, तो दिखाएंगे आउटफिट कितना। चॉइस तो मेरी है, बट इस दिवाली पे नहीं दिखेगा। दिस इज नॉट दिवाली आउटफिट, दिस इज टर्न्स आउट शी वांट्स टू आउटफिट, दिवाली के लिए और शादी के लिए। किसकी शादी के लिए? हमारी शादी, फ्रेंड की शादी के लिए। अब तुमको सुनो, हेलो मैडम, अब जो दिवाली वाला आउटफिट है वो मैं नहीं दे रहा पैसे, मैं क्लियर कर रहा हूँ। ओए ए, मैं आ चल, लास्ट पर लगा चल रहे हैं। लास्ट पर लगा तो ला दो। मैं ना
नहीं भैया घर चलो ठीक है ठीक है चलो घर चलो लाजपत नगर चल रहा है नहीं नहीं यार दिवाली शॉपिंग दिवाली कपड़े नहीं लिए सो यार चेकिंग लहंगास फॉर माय सेल्फ चमक रहा है हां दिखा ना लहंगा का यार तो लग नहीं रहा कैन गया ना आई लाइक ये ना एक्चुअली मुझे नहीं पता But I love the satin, I love the blouse, but the style is very bad. I don't know what is this. One's so different also, like a sari. I love the blouse. Without face, आपके एक picture ले सकते हो? Really like that sari wala. बट अभी फाइनल नहीं करा उसको दो तीन शॉप और देख कर देन आई फाइनल इट वी आर गोइंग फॉर शॉपिंग सो एक्साइटेड टू स्पेंड द मनी एंड मार्केट और इतनी भीड़ है ना भैया दिवाली के चक्कर में पर अभी जा रहे हैं मेरी एक शॉप पे जहाँ से मैंने पहले अपना पिंक वाला आउटफिट लिया था सेम शॉप पे बहुत ही ज्यादा भीड़ है और हम फर्स्ट शॉप में घुसे और मुझे ये पैटर्न पसंद आया है लेट्स ट्राई दिस ऑन फर्स्ट आउटफिट आई लाइक बहुत मुश्किल हो रहा है चीजें ढूंढना ऑप्शंस भी नहीं है ऑप्शन हो रही है ना यार ट्रू यार एक्चुअली ऑप्शन अच्छे नहीं है मजा नहीं आ रहा वो वाओ फैक्टर नहीं आ रहा अनदर शॉप एंड लाइक दिस गोल्डन वाला थिंगी लास्ट शॉप है बहुत भीड़ है तो वी नॉट मोर हियर आई फील लाइक इट लुक्स हॉरिबल लेट्स सी उनको कैसा लगेगा बट आई कांट रिकॉर्ड देयर रिएक्शन कितने बात कर रहे हो? I want to say something. Oh, I'm having Golgappa after 2 years. After 2 years? Oh my god. How do you feel? I want to say something on Golgappas. जो औरतें हैं उनको क्या पसंद है नंबर वन गोल गप्पे नंबर टू गप्पे एक ग्लास और गोल गप्पे खाते खाते मेन चीज क्या होती है सब लोग वही करते हैं हमारा आने वाला है हमारा आने वाला है और चलो कहीं हो जाता है तब से ये चल रहा है इनका आगे हम ये ऐसे खड़ी हुई है हाँ जी अल्लाह के नाम पे दे दो जी मिल गया मैं हो गया मेरा ओ वाओ भैया तीखा नहीं डाल रहे आप थोड़ा सा और तीखा आई सेड मीठा मीठा ओ सब ऐसे खड़े में डे आई डोंट नो व्हिच डे इज बट ये लास्ट है नो शॉपिंग का इतने दिन से हम लाइक शॉप 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 तो अभी हमारा आई डोंट नो कौन सा डे चल रहा है शॉपिंग का बट आई थिंक दिस इज गोना बी आवर लास्ट डे भाई देखो आज हमारा बहुत कुछ करने का मन है हाँ इसलिए आज मंडे है इसलिए हम शॉपिंग भी कर रहे हैं तो अब हम बेसिकली मेरा आउटफिट पिक करने फिफ्थ डे कल हम लोग आए थे इतनी भीड़ थी लाजपत नगर में तो हम वापस चले गए आज हम लोग जा रहे हैं मेरा आउटफिट पिक करेंगे और मे बी अनदर आउटफिट वी विल बाय आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट मुझे लगता है दुनिया नहीं खरीदेंगे देख लेते हैं विल सी देख लेंगे जेम कितनी गर्म है जेम तो से बहुत गर्म है ठंडी करती हूँ चलो और थोड़ा सा हमें ना मेनली ना घर के लिए हमें लेना है सामान और मम्मा की दिवाली गिफ्ट भी लेना है अरे लिस्ट तो बहुत लंबी है लिस्ट लंबी है तो लेट्स गो टाइम बहुत कम है टाइम बहुत टाइम ही कम है ये सेकंड ओरी विद नर्वसनेस वो गाइस जानी है स्पेंड द मनी लाइक दिस बैग बट इट्स वेरी एक्सपेंसिव सो वी चेकिंग अदर ऑप्शंस आई लाइक दैट वन वेरी प्रिटी ये भी अच्छा है ले ले रहा किधर नहीं ये नहीं करवाऊंगा दीस आर सो वेरी प्रिटी नहीं नहीं इसमें ऑफर भी है
ऑफर है ये कितने का है? अब ऊपर वाला भैया, ये वाला पतंग कर रहे हो? पतंग क्या कह रहे हो? तुम्हारी चॉइस का ही लूंगी मैं, तुम्हारी चॉइस का, मेरी चॉइस है ही नहीं। देखो कितना सुंदर है, दिखाना भैया। चलो लो फिर ये लो पतंग। कितने का भैया वाला? 850। महंगे वाला पसंद आ रहा है भैया, पैसे मुझे खर्च करने, कम कर दो। मैडम तो शायद इंस्टा पे है, मैंने देखा इंस्टा पे तो अभी तो बन रही है भैया ने देखा। माल तो यहां है, जेम यहां गरम हो रखी है। आप ठंडी कर दोगे 800 में? तो नहीं रुको, कुछ और भी लूंगी ना, रुक जाओ। मैंने डिसाइड नहीं किया कि यही लेना है, यही डिसाइडेड नहीं है। ये 550 का, ये आपने बताया 450, कितना 1000 हो गया ना, 800 में करो यार, 900 रुपए कर दो। नहीं नहीं नहीं, ज्यादा दे रहे हो बेबी तुम, ज्यादा दे रहे हो 900 रुपए। हट यार, तुम तो बार्गेनिंग भी नहीं कर सकते। ये 3000 का भैया ना ले पाएंगे। And yeah, Rohit is paying for it, of course. Baby, इस दिवाली में पटाखे तो बिल्कुल नहीं फूटे, पर धुआं बहुत निकल रहा है। धुआं ही निकल यार, बस कहाँ से निकल रहा है? ये जेम्स है। नहीं नहीं। Buy my mom's gift, दिवाली gift. बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है, बट अच्छा लग रहा है सुनकर, डिस्काउंट लेकर। रोहित के लिए अब दिवाली आउटफिट लेने आते हैं, जिसको मैं शूट करना बिल्कुल भूल गई। एंड नाउ अब लिया है फाइनली, दस मिनट में पूरी शॉपिंग हो गई। With this, I'll show you the pattern. After. हाँ. जो बन जाएगा कभी रील भी नहीं। ये देखो, ये हमने कपड़ा लिया है। अब स्टाइल तो मैंने चूज किया है। स्टाइल तो वो बाबी। हाँ हाँ, स्टाइल बहुत सुंदर है इसका। रोहित अपने हिसाब से बनवा रहा है। So, outfit from the scratch है तुम्हारा। हाँ जी, from the scratch. From the scratch he's making. मजे की बात ये है कि दो दिन में तैयार हो जाएगा। Yeah, दो दिन में तैयार करवा रहे हैं सर। Besties. सो दिवाली की शॉपिंग हो गई है ऑलमोस्ट डन, बट कुछ ना कुछ कुछ तो रह गया हुआ है, वो हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या खरीदा है इस दिवाली के लिए, क्योंकि कम से कम मैं 10 बार तो लाजपत नगर गई होंगी इस दिवाली की शॉपिंग के लिए। तो लेट मी शो यू, काफ़ी सारी डिसअपॉइंटमेंट भी मिली है बाय द वे। सो दिस इज द फर्स्ट आउटफिट आई शोड यू, ये वाला जो मैंने आउटफिट लिया हुआ है, बिकॉज मुझे ना 2-3 आउटफिट्स खरीदने पड़े, बिकॉज इस बार मैं जा रही हूँ काफ़ी सारी दिवाली पार्टीज में रोहित की वजह से। रोहित के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, सो दे आर इनवाइटिंग अस फॉर द दिवाली पार्टी, तो आज भी मुझे एक दिवाली पार्टी में जाना है, उसके लिए रेडी होना है। ये वाला आउटफिट आप देख चुके हो, पिंक वाला मेरा आउटफिट आप लोगों ने चेक नहीं दिखा होगा। आई एम लिटिल कन्फ्यूज कि भाई मेन दिवाली पे क्या डालूं। आई एम थिंकिंग आई शुड वेयर दिस ऑन मेन दिवाली, बिकॉज प्रॉबली या दिस वन। तो ये बहुत सिंपल सा है, इसके साथ एक प्लाजो है, बेटा चोकर दुपट्टा, ठीक है, सी सो वेरी प्रिटी सिंपल विद द दुपट्टा एंड द सिंपल ब्लाउज, इसमें थोड़े से काम है बस, दिस इज द कॉम्बिनेशन। और ये भी मैंने लाजपत नगर से ही खरीदा हुआ है, ये मैंने खरीदा था 8000 रुपये का। वो जो लहंगा है वो मैंने खरीदा था 6000 रुपये का, बट द ओनली प्रॉब्लम इस लहंगे की मैंने कैन कैन निकाल दिया, बिना कैन कैन के अच्छा नहीं लग रहा है, और मुझे आज वही लहंगा पहनना है। एंड रोहित इज एक्सपेक्टिंग मी टू वेयर दैट लहंगा, ही वॉज आई टोल्ड हिम दैट कि वो लहंगा बिना कैन कैन के अच्छा नहीं लग रहा है, एंड ही गोज लाइक नहीं आई वॉन्ट यू टू वेयर दैट, सो आई ट्राई टू वेयर दैट, अदरवाइज आई हैव टू फाइंड सम अदर क्लोथ्स। ये दिस इज आई थिंक दिस इज आई एम गोना वेयर ऑन माई मेन दिवाली, द लॉट ऑफ क्लोथ्स। दिस वन आउटफिट विच इज अ पिंक लहंगा, आई गॉट दिस फ्रॉम, ये मेरी कोलैबोरेशन में आई हुई है, ये आई थिंक बॉट इट, सो बहुत ही सुंदर है पिंक कलर का लहंगा, जैसा मुझे बिल्कुल चाहिए था एग्जैक्टली, बार्बी पिंक है। बट द ओनली प्रॉब्लम इज दिस इज दिस इज द वन, द ओनली प्रॉब्लम है इसकी ना जो फिटिंग है वो मुझे काफ़ी लूज, ऊपर वाला टाइट है नीचे वाला लूज है, तो आई हैव टू गेट इट फिक्स सो आई कैन वेयर इट। और मैं सोच रही इसे भी एक वन ऑफ द दिवाली पार्टी में पहनूँ, बिकॉज दिस इज टू बूबी, तो मेन दिवाली पर नहीं पहन रही हूँ मैं, और किसी दिवाली पार्टी में पहनूंगी। और क्या खरीदा मैंने, आई बॉट सम कैंडल्स, ठीक है, एंड आई बॉट दिस प्लेट्स,
जो कि मुझे बहुत सुंदर लगी थी। एक मैंने अपने लिए खरीदी और एक मैंने मम्मा के लिए खरीदी है जो कि मैं सेंटर टेबल पे लगाऊंगी। ये मैंने खरीदा था 200 रुपए का, 400 रुपीस का। एंड मैंने ये वाला जो सेट खरीदा है, आई बॉट दिस फॉर माई डोर, और ये सेम टू पीस में है, इट्स वेरी प्रिटी। ये मैंने अपने डोर के लिए खरीदा हुआ है। द ओनली थिंग इज ये थोड़ा महंगा था। हमने सब कुछ खरीदा था 1000 रुपए में, तो ये भैया ने मुझे 600 रुपए का, आई थिंक 300 रुपीज का एक दिया, विच इज वेरी महंगा। मैं बार्गेनिंग कर रही थी, पर रोहित ने जो बार्गेनिंग नहीं करने दिया वहां पे, बिकॉज इट्स वेरी एथनिक टाइम और मेरे पास ना कुछ एथनिक बैग नहीं है, तो आई बॉट दिस बैग। बहुत ही सुंदर है, बाय द वे रोहित की चॉइस है, उसकी पसंद का मैंने बैग खरीदा हुआ है। इट कम्स विद द चेन। इसकी जो चेन थी ना वो बहुत ही लोकल सी थी, तो हमने चेन चेंज करवाई है। वैसे ये बैग है 1200 रुपीस का, वेरी प्रिटी। आई बॉट फ्रॉम अगेन लाजपत नगर। 1200 रुपए का बैग है, बहुत ही सुंदर है। बट जो इसकी चेन है ना वो अच्छी नहीं थी, सिल्वर कलर की थी। हमने मैंने कहा गोल्ड पे सिल्वर जा नहीं रहा है, तो उन्होंने ये चेन का ही 300 रुपए लिया, तो ये प्रॉपर बैग मुझे पड़ा है 1500 रुपए का। रोहित की चॉइस है, मुझे बताना कैसा लगा। एक और लहंगा मैंने खरीद लिया जिससे मैं आई एम नॉट श्योर कि आई एम गोना वेयर दिस। इट्स अ बेबी पिंक कलर। मुझे समहाउ ये खरीदने के बाद ऐसा लगा कि लुक्स काइंड ऑफ चीप, बट मे बी आई कैन स्टाइल इट। इसका ब्लाउज बहुत ही सुंदर है, दिस इज द ब्लाउज, पिंक कलर का। इसमें व्हाइट कलर का वर्क है, ठीक है। एंड इसका पीछे बिल्कुल वो है, सी थ्रू है, नेटी है, और दिस इज द ब्लाउज। एंड प्लेन सा इसका नीचे का है, बट देन आई हैव अगेन आई हैव 3 पिंक आउटफिट फॉर दिस दिवाली। आई डोंट नो हाउ मच पिंक आई एम गोना वेयर। दिस इज अ दुपट्टा। ये मैंने खरीदा था 450 रुपए का, 4000 रुपए का। दिस इज द लहंगा। इसकी ना निकाल नहीं रही हूँ क्योंकि इसकी शिमर बहुत गिरती है, थोड़ा काइंड ऑफ शिमरी है, तो मैं इसे निकाल नहीं रही हूँ क्योंकि इसकी शिमर बहुत ज्यादा झड़ता है। सो ये मैंने लिया था, निकालने भी आ गया। ये मैंने लिखा दिया था 4500 का, जो कि बहुत ही अच्छे प्राइस में, काफी अच्छी डील में मुझे मिला। बट द ओनली प्रॉब्लम इज कि मुझे थोड़ा सा ना ऑफ लगा, इतना मुझे अच्छा नहीं लगा। एंड वी आर गोइंग अ 9 दिवाली पार्टी, सो आई डोंट वांट टू वेयर समथिंग लाइक दिस, टू हैवी फॉर मी, बट आई मे बी आई स्टाइल इट, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट इसलिए मैंने उसको रखा हुआ है। मंगलवार है, आज मैं घर जा रही हूँ, आप लोगों को पता है आज धनतेरस भी है, सो आई बॉट, ऑब्वियसली मैं इन सब चीज़ों में अपनी माँ को नहीं भूल सकती हूँ, क्योंकि शी इज़ द वन वर्ल्ड फॉर मी नाउ, रोहित इज देयर। बट या उनके लिए गिफ्ट लेना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, सो आई बॉट अ गिफ्ट फॉर हर। गेस कैस के अंदर ऑब्वियसली इट्स अ गोल्ड, तो एंड दिस इज द थिंग आई बॉट फॉर माई मॉम। इट्स क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था ना मुझे ना एक ऐसा कड़ा चाहिए जो कि मैं पहन सकूँ, एंड दिस इज वेरी प्रिटी एंड एक्सपेंसिव, सो गोल्ड कड़ा, इट्स प्रिटी। दिस इज आई बॉट फॉर माई मॉम, दिस इज माई मॉम्स गिफ्ट, और मैंने सोचा कि आज धनतेरस है तो आई गिफ्ट हर टूडे। वैसे ये दिवाली गिफ्ट है, बट मैं आज उन्हें गिफ्ट कर दूंगी। आप लोग मुझे बताना कैसा लगा मम्मा के लिए गिफ्ट। एंड आप लोग भी मत भूलना अपनी मम्मा को कुछ देने के लिए यार, मम्माज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस दिवाली जरूरी नहीं कि आप इतना कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट दो, बट थोड़ी सी कोई छोटी मोटी चीज भी इज फाइन फॉर देम। सो दैट्स इट, दिस इज व्हाट आई बॉट। सारी चीजें मैंने ज्वेलरीज भी खरीदी, वो आपको मेरी रील्स पे दिख जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई लव यू ऑल, बाय।